नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सब तक। परसौनी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दो पंचायतों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त दो पदों पर उपचुनाव। आज प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न 18 मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था निष्पक्ष व शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो गया। विभिन्न पदों के लिए हुए मतदान में 40.35% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रखंड के दो पंचायतों में 10,656 मतदाताओं के लिए कुल 18 मतदान केंद्र बनाए गए थे। बसरामपुर पंचायत से सरपंच पद के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जबकि किसारा पंचायत में वार्ड सदस्य पद के लिए हुए चुनाव में 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। मिली जानकारी के अनुसार बसरामपुर पंचायत में सरपंच पद के लिए 10,068 मतदाताओं में 37 प्रयोग अपने मत में पुरुष 1774 व 1935 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल प्रतिशत 36.88% रहा, जबकि गिसारा पंचायत में वार्ड सदस्य पद के लिए हुए चुनाव में 588 मतदाताओं में 321 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें 157 पुरुष व 164 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल प्रतिशत 55 रहा। दोनों पंचायतों में पुरुष के मुकाबले महिलाओं का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इस उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में कोई खास उत्साह नहीं दिखा। मतदान के दौरान SDO शिवानी शुभम, निर्वाचन पदाधिकारी सह BDO अनिल कुमार, CO राहुल कुमार व थाना अध्यक्ष सुनीता कुमारी ने दोनों पंचायतों के मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोटिंग कार्ड का जायजा लिया। BDO अनिल कुमार ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया है। मतदान की मतगणना 30 दिसंबर को किया जाएगा। चुनाव के दौरान कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। चुनाव को लेकर सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कराए गए थे। फिलहाल खबरों के साथ बने रहें, देखते रहें खबर सब तक।